मेरे भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, शायद उस समय आपको मालूम हुआ होगा, राजनाथ सिंह ने कहीं किसी की परवाह नहीं की। मैंने कहा बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सारे के चंदन की वापस कर लिए जाए। कहां इंसानियत में हम लोगों की कोई कमी नहीं है? क्यों आपको ये लोग गुमराह करते हैं? और मैं बतलाना चाहता हूं, इसलिए गुमराह करते हैं कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इनके लिए जम्मू कश्मीर एक एटीएम है, एटीएम मशीन जिससे पैसा निकाला जाता है, अपना घर बनाया जाता है। इन लोगों ने लूटा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मैं एक बार डेलीगेशन लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा आया था, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। मैं चाहता था बातचीत से भी कोई हल निकले। मैंने वहां पर शरद यादव और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलने के लिए भेजा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। हम बीजेपी के कमंडल थे, वो कौन से कमंडल थे? आपने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया, आप बातचीत करने को तैयार नहीं थे। और मेरे बहन भाइयों, यह भी बताना चाहता हूं, धारा 370 की समाप्त होने के बाद अब 890 जो हमारे केंद्र के कानून है वह जम्मू कश्मीर में भी अब लागू होंगे। कोई मां का लाली से रोक नहीं सकता है। 5 साल के अंदर, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें, मेरी गलती होगी तो मैं सिर झुकाकर माफी मांग लूंगा, क्योंकि जनता की आंखों में धूल झोंक कर मैं समर्थन नहीं चाहता हूं, आंखों में आंख डालकर मैं समर्थन लेना चाहता हूं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जो मन आता है बराबर बोलते रहते हैं। बहन भाई, है तो जम्मू कश्मीर ही हो। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पाकिस्तान के कोर्ट ने एक हलफनामा दाखिल किया और उन्होंने पीओके के बारे में यह कहा कि यह फॉरेन लैंड है, पाकिस्तान की नहीं है। जब यह हलफनामा उन्होंने कोर्ट में दाखिल कर दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके यह फॉरेन लैंड है, तो मैं कहना चाहता हूं पीओके हिंदुस्तान का था, है, रहेगा। हम पीओके की खुशहाली के लिए भी काम करेंगे, लेकिन फैसला यह पीओके के लोगों के हाथों में। मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। आतंकवादी गतिविधियों को हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। बहनों भाई, पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कुछ लोग करते हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान एक काम कर दे, आतंकवाद का सहारा लेना बंद कर दे। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हों? क्योंकि इस हकीकत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है।